बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमनिज्म क्या है, और आज हम डिस्कस करेंगे एलिजबेथ इन एज और उसके ड्रामास के उसके जो ड्रामास हैं इस टाइम एलिजबेथ इन एज में किस तरह से लिखे गए। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और अपने कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आपको मेरी ये कोशिश है किस तरह से लगी, पसंद आई या नहीं। ये तमाम नोट्स जो लिए गए हैं वो डॉक्टर बी आर मूले की बुक अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से लिए गए हैं, और वो तमाम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं रिफाइन करके आपके सामने लाए जाते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताया करें कि आपको ये कोशिश पसंद आई है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजाबेथन एज जो कि स्टार्ट होती है 1558 से और इसका एंड होता है 1603 पे, जब जो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ वन, उसकी डेथ होती है। द एलिजाबेथन एज इज द टाइम पीरियड एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। ये जो दौरे हुकूमत था किसका था? क्वीन एलिजाबेथ वन का, और जो कि स्टार्ट होता है 1558 और एंड 1603 पे। इट इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन एज, और इसका जो टाइम पीरियड था उसको गोल्डन एज कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इट वॉज एन एज कंसिडर्ड टू बी द हाइट ऑफ इंग्लिश रिनेसेंस एंड सॉ द फुल फ्लावरिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोट्री। क्योंकि इस टाइम जो था ड्रामा ने तरक्की की, पोट्री ने तरक्की की, लिटरेचर जो था वो सारा, और आर्ट ने भी बहुत ज्यादा तरक्की की। कि इट वॉज आ ट्रांजिशनल पीरियड, और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। एंड इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिलेटिव इंटरस्टेबिलिटी, कमर्शियल एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ पेट्रियाटिक फीलिंग। कि इसके इस दौरान जो सनती तरक्की हुई बहुत ज्यादा, आर्ट भी तरक्की हुई, और साथ ही साथ जो पेट्रियाटिक फीलिंग्स पैदा हुई, यानी कि हुब्बुल वतनी और तअस्सुब पैदा हुआ इस टाइम। और सेकेंड क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो एलिजबेथ थी वो कौन थी? हु वॉज एलिजबेथ? क्वीन एलिजबेथ वॉज अ डॉटर ऑफ हेनरी 8, हेनरी द 8। ये है हेनरी द 8 और ये है क्वीन एलिजबेथ, और ये इनकी बेटी थी। रूलर ऑफ टूडर डेंसिटी, जो कि रूलर रहे टूडर डेंसिटी के, एंड दिस रॉयल फैमिली रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1485 टू 1603। जिनके जो टाइम पीरियड था वो था 1485 से, और एंड होता है 1603 पे, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है। एंड हेनरी द 8th वाज अ फेमस किंग ऑफ टूडर्स डेंसिटी, और जो हैं किंग द 8th है, यानी कि हेनरी द 8th है, वो फेमस किंग रहा है टूडर डेंसिटी का। क्यों रहा है? जैसे मैंने आपको इसका पहले भी बताया था कि ही सेपरेटेड चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च एंड हिमसेल्फ बिकेम द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड आल्सो टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कि इसने जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसे चर्च ऑफ इंग्लैंड को अलग कर लिया, और इसके बाद उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो हेड बन गया, और साथ ही साथ उसने गवर्नमेंट के जो हुकूमत वो भी संभाल लिया, उसने गवर्नमेंट भी संभाल ली। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसने जो मजहब है उसकी जारहदारी खत्म कर दी, और उसे ये डर था कि ये ना हो कि अवाम एहतजाज करे। तो उसने इस एहतजाज को रोकने के लिए फिर उसने मुख्तलिफ प्लेस जो है वो मुतारिफ करवाए, और इन ड्रामास के जरिए उसने ये कोशिश की कि लोगों की जो तवज्जो है वो डाइवर्ट की जाए, कर दी जाए रिलीजियस से डाइवर्ट होके वो एक आम इंसान, जो आम आवाम की जिंदगी है, और उस तरफ इंसान को लाया जाए। और उस टाइम जो थीम से उनमें जो मेन थीम रहा है वो कौन सा था? लव स्टोरीज। ये है रोमन कैथोलिक चर्च, जैसे उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड को अलग किया और इसका हेड बन गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलिजाबेथ एंड ड्रामा। इससे पहले के ड्रामास जो थे वो किस पे बेस करते थे? मिस्ट्री प्लेस और मोरालिटी प्लेस थे, और वो बेस करते थे डिवाइन पे और विश्व पे। और लेकिन इस टाइम एलिजाबेथन ड्रामा जो में जो टाइप्स आई वो थी, एक कॉमेडी थी और सेकंड ट्रेजेडी। और इस टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई प्लेस में वो क्या थी कि ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड लाइफ लाइक कैरेक्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्टेज। के लाइफ लाइक कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। एंड बिफोर दिस पीरियड ड्रामास वर कंटेन पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स विद डिवाइन एलिमेंट। इससे पहले के ड्रामा जो होते थे उनमें जो डिवाइन एलिमेंट था वो बहुत ज्यादा था। एंट्री कॉमन पीपल एज एन एक्टर, और जो कॉमन पीपल
एज एन एक्टर आए एंड परफॉर्म बेटर देन प्रीस्ट, और उन्होंने प्रीस्ट से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कॉमन एक्टर। इस वजह से जो कॉमन एक्टर्स थे उनका नंबर इंक्रीज होता गया एंड सब्जेक्ट मैटर चेंज, और उस टाइम जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी उनका चेंज कर दिया गया कि मूव फ्रॉम रिलीजियस टू सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल लाइफ ऑफ मैन, के रिलीजियस से हट के जो आम इंसान थे, आम आवाम थी, उनके सोशल प्रॉब्लम्स और उनकी जो सोशल लाइफ थी उसको हाईलाइट किया गया। एंड है कॉमन एक्टर्स रिप्लेस द प्रेस कम्प्लीटली, और इस तरह क्या हुआ कि जो कॉमन एक्टर्स हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया प्रीस्ट को, एंड रिलीजियस मैटर्स वैनिश कम्प्लीटली, और ऐसा ऐसा जो रिलीजियस जो थीम्स होते थे वो खत्म हो गए एंड पीपल वांटेड पीपल लविंग किलिंग स्टीलिंग एज दे डू नॉट डिवाइन सोर्स। और इसी तरह आवाम जो थी वो भी यही चाहते थे कि उनको उनके जैसे जो स्टोरीज हैं वो दिखाई जाए, उनके लव स्टोरीज दिखाई जाए, किस तरह से वो कत्ल वगैरह होती है, या आम जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये सोशल लाइफ है उसमें जो उनके जो थीम्स रहे हैं वो दिखाए जाए एंड नॉट डिवाइन सोर्स, और उनका जो डिवाइन एलिमेंट है उन्होंने कहा कि इसको खत्म कर दिया जाए, और वो यही चाहते थे। नेक्स्ट क्या है कि वो डिवाइडेड एलिजाबेथन ड्रामा इनटू टू पीरियड। जो एलिजाबेथन ड्रामा है इसको दो पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, एक फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड। अब जो फर्स्ट पीरियड है वो डिवाइडेड फर्स्ट पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा इनटू टू कैटेगरीज। उसका जो फर्स्ट पीरियड है उसको डिवाइड किया जाता है टू कैटेगरीज में, एक है कॉमेडी और सेकेंड है ट्रेजेडी। कॉमेडी में क्या है कि कॉमेडी में निकोलस ने रॉल्फ रोएस्टर ड्विस्टर लिखी और जॉन स्टील्स ने ग्रूमर गर्टन्स नीडल, ये दो कॉमेडी लिखेंगी फर्स्ट पीरियड में, और जो ट्रेजेडी लिखेगी वो है थॉमस सैकविल्स की गॉड बडक। ऑल दीज प्लेज आर मोंटोनियस एंड डू नॉट पोजेस मच लिटरेरी मेरिट। इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल नहीं की, लेकिन इनके ड्रामास को जब का प्लस पॉइंट ये था कि दे वर इंट्रोड्यूस लाइफ लाइक करेक्टर्स ऑन स्टेज, के इनके जरिए जो लाइफ लाइक करेक्टर्स हैं वो स्टेज पे आए। एंड क्योंकि जैसे आपको पहले मैंने बताया है कि इससे पहले क्या था, डिवाइन एलिमेंट था और जन्नत दोजख ये सारा दिखाया जाता था और इसको परफॉर्म करते थे प्रीस्ट, लेकिन अब क्या हुआ कि लाइफ लाइक करेक्टर्स और कॉमन पीपल ने इनको परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और वो प्रीस्ट से ज्यादा उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। सेकेंड पीरियड है, जब सेकेंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा वॉज डोमिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी बिट्स। अब सेकेंड जो पीरियड है उसमें यूनिवर्सिटी बिट्स है वो डोमिनेट रहे अब प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन। अब जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे वो कौन से थे, उनमें जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो है मार्लो का, उसके बाद है लिली सैम, फिर है पील, उसके बाद है ग्रीन और है किड। इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं एल पी जे के और एम। और मार्लो के बारे में क्या कहा जाता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा मार्लो इज कंसीडर्ड अ सन अराउंड विच ऑल दीज राइटर्स रिवॉल्व, कि मार्लो क्या है, मार्लो एक सूरज की तरह है जिसके गीत बाकी जो राइटर्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, इनकी कंट्रीब्यूशन म्यूजिकल क्वालिटी टू ब्लैंक वर्स, कि इन्होंने ब्लैंक वर्स को क्या दी, म्यूजिकल क्वालिटी दी। और सेकंड क्या है कि ब्लड एंड थंडर, दिस राइटर इंट्रोड्यूस ब्लड थंडर ऑन द स्टेज एंड दे रोट अबाउट ब्लड शेड, कि इन्होंने जो स्टेज पे है ब्लड और थंडर को इंट्रोड्यूस किया और ब्लड शेड को, और शेक्सपियर ने इसको आगे अपने प्लेस में अपने ड्रामास में बेहतरीन अदा से इस चीज को यूज किया। और थर्ड है लव स्टोरी और करेक्टराइजेशन, मार्लो के अलावा इस थीम को बाकी जो राइटर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था लव स्टोरी और करेक्टराइजेशन को। इनका क्या है कि दे इंट्रोड्यूस लव स्टोरी एंड देयर करेक्टराइजेशन इन ड्रामास बिफोर दिस पीरियड हेल हेवन वर्चू एंड सिन, इससे पहले वही थीम थे कि हेल है और हेवन वर्चू के थीम्स थे, लेकिन उन्होंने जो एवरीडे लाइफ थी कॉमन पीपल्स की उनको और उनके इमोशंस को उन्होंने डिपिक्ट किया और लव स्टोरीज लिखी, और वही इनका जो मेन थीम रहा है इस टाइम वो यही था कि लव स्टोरीज या लव पे जो प्लेज लिखे गए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम डिस्कस करेंगे इन तमाम राइटर्स के वर्क्स, इन्होंने कौन से प्लेज लिखे और इनके जो राइटिंग स्टाइल है वो किस तरह से रहा है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।